के प्रायोजक हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के इस खास विशेष मनमोहक शिक्षा प्रद जीवन की धारा, जीवन को दिशा बदलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से हम अवनति से उन्नति की ओर जाते हैं, हमारा पुनर्जागरण करते हैं और गिरते मानवीय मूल्यों की हम रक्षा करते हैं। इससे कुछ सीखते हैं, कुछ पाते हैं और प्रतिदिन हम सत्संग करते हैं। पुनरुत्थान में जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, हमें कुछ खुराक प्राप्त करने के ये विषय हैं। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा सत्संग का विषय लेकर के आए हैं कि बंधन एवं मुक्ति। हमारी भारतीय संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है। अध्यात्म का मतलब होता है भीतर की ओर जाना। अगर हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में दो तरह की संस्कृतियाँ हैं, दो तरह की कौन सी है, एक तो हमारी पूर्व की संस्कृति जो प्राच्य संस्कृति कहलाती है और एक विदेश की संस्कृति जो कि प्राच्य संस्कृति कहलाती है। ईस्ट और वेस्ट, ये विश्व दो भागों के अंदर बटा हुआ है और भारत आज 206 देश है। उन 206 देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व के अंदर धर्म गुरु का दर्जा प्राप्त किया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो भीतर की संस्कृति है, अध्यात्म की संस्कृति है। हम बाहरी जगत तक सीमित नहीं रहे। प्रारंभ से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो महान पुरुषों ने जो है इसको इतना पाताल तोड़ गहराई दे दी कि जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम अंतिम सत्य तक गए। अंतिम सत्य हमारी आत्मा है। हम संतुलन करते हैं बाहर का और भीतर का। जो हमारा शरीर है और उसके अंदर का जगत है, उसके बीच के अंदर सामंजस्य बिठाते हैं। इस सामंजस्य को बिठाने के कारण ही दूसरे अमेरिका जैसे देशों के अंदर अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जबकि वो कुबेर देश है, वहाँ पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन वो लड़खड़ा गए। लेकिन हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़खड़ाए। बंधुओं, हम जो है 1000 साल तक गुलाम रहे। हमारे यहाँ हम आर्यों की संतान हैं, हमारा देश आर्य देश कहलाता है। भरत के नाम पर भारत देश बना, ये हम इंडिया बोलते हैं। इंडिया शब्द हमारा नहीं है, हमारा मूल शब्द है भारत। तो हम भारत देश के निवासी आर्यों की संतान हैं और हमारी इस संस्कृति ने प्रारंभ से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जितनी तितनी सभ्यताओं को देखिए, उसकी आज खुदाई की गई। उस खुदाई के अंदर हमें मिला कि हमारे पहले के पूर्व जो है वो ध्यान किया करते थे। वो जटाधारी ध्यान की कई मूर्तियां मिली। ध्यान का अर्थ ये हुआ कि हमने आत्मा में विश्वास 1000 साल पूर्व किया था। हमारे वेदों को लीजिए जो कि लिखित ग्रंथ है और वो ईश्वर कृत माने जाते हैं। वो वेद 4 है, ऋग्वेद, साम वेद, अथर्ववेद और ऋजुवेद। तो ये 4 वेदों के अंदर जो है वो यही बातें बताई गई है कि प्रकृति महान है। इस प्रकृति से सब कुछ हमने प्राप्त किया है और प्रकृति में हम विलीन होते हैं, प्रकृति से हम पाषाण। इसलिए प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए और इस प्रकृति के अंदर रहकर ही हम बंधन और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब हमारा जो मूल विषय है बंधन और मुक्ति, दो शब्द है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। अगर सीधी सीधी बात करें, बंधन का मतलब बंधा हुआ। कोई व्यक्ति जेल में होता है तो हम कहते हैं कि वो बंधन में है। कोई रस्सी से बंधा हुआ होते हैं तो वो कहते हैं, बांधे हुए को बंधन कहते हैं। और मुक्ति का मतलब मुक्त है, जैसे कि एक उड़ने वाला पक्षी है जो वो स्वच्छंद रूप से जो है वो इस आकाश के अंदर कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी रूप में अपने
पर फड़फड़ा करके उड़ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यानी परिंदा स्वतंत्र है। लेकिन वही परिंदा, वही तोता अगर किसी पिंजड़े के अंदर बंद हो जाता है तो उसको हम बंधन कहते हैं। एक व्यक्ति वो स्वच्छंद होकर के अपनी इच्छा से घूमता फिरता है, वह मुक्त कहलाता है, और वही जेल में डाल दिया जाता है, उसको अदृश्य कारावास दे दिया जाता है, तो वो बंधन कहलाता है। बंधुओं, तो हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम बंधन में हैं। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर को बंधन में बांध रखा है, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको बंधन में शरीर ने बांध रखा है, और उसको बंधन के अंदर बांधने वाला कौन है, बांधने वाला अज्ञान है, इसको अविद्या भी कहते हैं, इसको विशिष्ट भी कहते हैं, इसको पुण्य भी कहते हैं, इसको पाप भी कहते हैं, और इसको जो है अविद्या भी कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है। कुल मिला के सबका एक ही अर्थ है, पर्यायवाची है, कि हमारी रॉन्ग बिलीफ, हम रॉन्ग बिलीफ के कारण बंधन के अंदर हैं। वो बंधन रिलेटिव है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी मुक्ति है। इसीलिए हमारी सारी संस्कृति, हमारा भेद विज्ञान रियल और रिलेटिव के बीच में चलता है, कि रियल क्या है, रियल इज द सुप्रीम सोल, ऐसी सोल जो कि न दिखाई देती, अमूर्त है, लेकिन वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। अब ये सुख के धाम को मुक्ति बताया है। अब देखिए, हम अपने व्यवहारिक जगत में भी भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण देखते हैं कि हमारा दिमाग टेंशन फ्री है, कोई मेंटल टेंशन नहीं है, हम आराम से घूम रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं, और आराम से सब कार्य कर रहे हैं, वो हमको लगता है कि हम मुक्त हैं। और उसका दूसरा रूप देखें कि आज इनकम टैक्स का टेंशन हो गया, आज पैसे की कमी आ गई, आज परिवार सदस्यों के बीच में झगड़ा हो गया, आज किसी से कोर्ट केस चल रहा है, तो हम कितने दिन सारा टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और ऐसे ऐसे मनुष्य देखे हैं कि जीवन भर वो डिप्रेशन में रहते हैं, जीवन पर तनाव में रहते हैं। वो तनाव में रहने का कारण उनका अज्ञान है, वो तनाव में रहने का कारण बंधन है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर ज्ञानी और अज्ञानी दो परिभाषा की है। ज्ञानी होता है वह मुक्ति में रहता है, अज्ञानी होता है वो बंधन में होता है। वही व्यक्ति जैसे मैं स्वयं हूँ, तो मैं अगर मेरी विचारधारा अगर बंधन की है तो मैं अज्ञानी हूँ, और अगर मेरी विचारधारा मुक्ति की है तो मैं ज्ञानी हूँ। मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि किस तरीके से होता है। मैं रियल रिलेटिव की बात कर रहा था कि हम ऐसा एक पॉजिटिव थिंकिंग बनावें कि हम परिवार के साथ रह रहे हैं या हमारे व्यवसाय के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पर वी शुड रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड, जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। इसके अंदर मुक्ति की बात की गई कही गई है, इसमें ज्ञान की बात कही गई है। ज्ञान ये कहता है कि भेद विज्ञान को समझो। भेद विज्ञान क्या है कि तुम जो देख रहे हो वो रिलेटिव है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो रियलिटी है, वो सत्य है। इसीलिए हमारा सारा जो अध्यात्म है वो द्वैताद्वैत है, वह द्वैत भी है और अद्वैत भी है। द्वैत हम किसको कहते हैं, बंधन और मुक्ति को द्वैत कहते हैं, और अद्वैत क्या होता है, वह मुक्ति है। यानी हम सब बंधनों के अंदर रहते हुए भी अपने आप को मुक्त समझते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है।
उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो है इस बंधन और मुक्ति को समझाने के लिए बताया कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ होता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, उसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसका इंट्यूशन इतना महान हो जाता है कि वह हर चीज को पॉजिटिव लेता है, यानी वह जो है वो लाभ में, हानि में, ज्ञान में, अज्ञान में, निंदा में, प्रशंसा में सम रहता है, दोनों को एक सा समझता है। जहां पर दोनों को एक सा समझने की बात आ जाती है वहां मुक्ति की बात आ जाती है। समता को हम मुक्ति कहते हैं और विषमता को हम बंधन कहते हैं, और ये बंधन मुक्ति हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है, और हमारी रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ में है। जो रॉन्ग बिलीफ में रहता है, अज्ञान में रहता है, वो बंधन में है। कैसे कि जैसे कि मैं ये चिंतन करूं कि ये शरीर मेरा जो है वही सब कुछ है, और जो कुछ मैं परिवार के लिए करता हूं ये मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये घर मेरा है, इस घर का संचालन मैं कर रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं, इस व्यवसाय को मैं चला रहा हूं, ये जो मैं जो बात है ना, ये कर्ता भाव है, ये बंधन है। उसकी जगह अगर व्यक्ति सोचे कि मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, ये पूरी सृष्टि है जिसने ईश्वर ने बनाया, ईश्वर कर्ता है, मुझ में कर्ता बनने की योग्यता नहीं है, मैं तो मात्र ये हाड़ मांस का पुतला जो हूँ वो एक निमित्त मात्र हूँ। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमको अच्छी चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमको दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, मसाला चाहिए, स्टोव चाहिए, अग्नि चाहिए। इन सब संजोगों के मिलने से चाय बनती है जिसका हम रसास्वादन करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि चाय मैंने बनाई, या दूध ये कहे कि नहीं चाय मेरे द्वारा बनी है, तो वो गलत है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये मिथ्या है, ये अज्ञान है। कि तुम एक संजोग हो, इन संजोगों में से एक संजोग हो तो आप उसको निमित्त कहा जाता है। बंधन और मुक्ति को समझने के लिए हमें निमित्त और उपादान को समझना पड़ेगा। उपादान हमारे भीतर का सच है, उपादान हमारा अध्यात्म है, और निमित्त है बाहर का है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि आप मेरे वक्तव्य से कुछ ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सत्संग कर रहे हैं, कोई जीवन की नई दिशा को पकड़ रहे हैं, तो ये निमित्त बन रहा हूँ। लेकिन जो पकड़ आप रहे हैं वो आपका उपादान है, वो उपादान आपको इस सत्संग के लिए यहाँ लाया। अगर आप न आते तो मेरी ये वाणी आप तक कैसे पहुंचती? मैं निमित्त बना और उपादान बना, ये दोनों के संयोग से कोई कार्य होता है, और ये सारे संयोग मिलते हैं तभी हमारा कोई कार्य होता है। हमारी जैन परंपरा को हम देखें तो जैन परंपरा ये कहती है कि कोई भी कार्य तब होता है जो पांच पांच तत्व, पांच घटक मिलते हैं। वो कौन से हैं? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम भारतीय संस्कृति के गहन विषय के ऊपर गहन चिंतन कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने अपने दिमाग को, मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को हल्का किया और पुनः हम गहन चिंतन के लिए हाजिर हुए हैं।
दर्शकगण श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक टेंथ बोर्ड के विद्यार्थी को परीक्षा देनी है तो काल, मतलब जो बोर्ड ये कहता है कि उसकी उम्र 14 साल होनी चाहिए तभी वह उस बोर्ड में बैठ सकता है, 10 साल का बच्चा है और वो बोर्ड से बहुत ज़्यादा योग्य है लेकिन वो परीक्षा नहीं दे सकता, काल, स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए, वो बोर्ड के प्रश्न पेपर को हल करने वाला, बोर्ड के प्रश्नों का उत्तर देने वाली योग्यता हो, ये स्वभाव, और तीसरा कर्म उसका भाग्य होना चाहिए। ऐसे ऐसे विद्यार्थी है कि वह बहुत पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा देने की बात आती है, प्रस्तुति की बात हो जाती है तो सब भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को देखा कि वो इतना इतना रट के जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं तो सब जीरो हो जाता है, वो भूल जाते हैं। इसका मतलब उसका कर्म यानी भाग्य साथ नहीं देता है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का होता है परिश्रम करना, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ आपको अधिक से अधिक देने की, जो भी मेरे भीतर अच्छा अच्छा विचार है, जो मेरे भीतर अनुभव है, अनुभव बड़ी होती है, सबसे पहले जो है इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आदमी को खपना पड़ता है, गहरे में जाना पड़ता है, तभी कहा जाता है कि जो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ती है जो जो अनुभव बढ़ता है, इसीलिए हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हम के साथ रहना क्यों पसंद करते हैं हमारी संस्कृति में, कि उनके पास अनुभव है, वो व्यक्ति की चाल से ढाल से बता देते हैं बच्चे की या किसी व्यक्ति की, अब ये खड्डे में गिरने वाला है, अब ये असफल होने वाला है, ये कुछ न कुछ खराबी करने वाला है, उसकी चाल, क्योंकि वो उस स्टेज से गुजर चुके हैं, इसलिए अनुभव की बात बड़ी होती है। तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ करता है वो, पुरुषार्थ बड़ी चीज है। अब देखिए ये सारी चीज़ें दसवीं बोर्ड के बच्चे के अंदर सब मौजूद है, लेकिन नियति, अब देखिए सुबह पेपर है लेकिन वो नियति को उसका बोर्ड को साल में पास होना नहीं लिखा हुआ है, तो रात्रि के अंदर उसको इतना ज्वर फैल गया कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है और हाई टेम्परेचर हो गया उसको और डॉक्टर ने मना किया कि उठने की स्थिति में नहीं, वो परीक्षा देने नहीं जा सका। तो भाई और बहनों, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ उसके फेवर में थी, नियति को मंजूर नहीं था। हम जीवन भर बहुत परिश्रम करते हैं, कई राजनीतिज्ञों को हमने देखा है कि वो जीवन भर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखिए कि वो उन्होंने प्रारंभ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश मन में थी उनके, और कितना योग्य थे, कितना पुरुषार्थ किया, बीजेपी पार्टी को खड़ा किया, और वो जमीन से उठे हुए नेता है, उन्होंने इस पार्टी के प्रति हमेशा जो है वो डिवोशन, डेडिकेशन रखा, वो उसके जड़ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खड़ा किया, लेकिन नहीं बन पाए, और लोग बन गए, ऐसे ऐसे लोग बन गए जिनका लोगों को, जिनका कोई अता पता ही नहीं था। तो ये क्या थी, नियति नहीं होती है तब आप कितना ही परिश्रम करो तो वो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अब हम बंधन और मुक्ति की बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें बंधन की है, लेकिन इस बंधन के परे मुक्ति है। जो बंधन के परे मुक्ति को देखता है, मुक्ति की भावना रखता है, उसका बंधन कोई भी जो है किसी तरह का प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। विदेह, विदेह राजा जनक विदेह थे, और बहुत बहुत से ऋषि मुनि जो है वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये विदेही थे, भगवान बुद्ध, भगवान जो है महावीर, ये महापुरुष जो है ये विदेही थे। विदेही का मतलब होता है देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं भूलना। संसार की वो सारी प्रवृत्तियां करते हैं, लगता है लोगों को, परिवार को, समाज को कि ये हमारे बंधन में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को मुक्त समझते हैं, इसीलिए वो मतलब जीव मुक्त कहलाते हैं कि वो शरीर में रहते हुए मुक्त है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जनक जैसे जब जीवन मुक्त हो जाते हैं, जब
इस शरीर को छोड़ देते हैं तो उनको मुक्ति हो जाती है। इसलिए बंधन और मुक्ति हमारे भीतर है। जहाँ हम राग द्वेष करते हैं बंधन में चले जाते हैं, जहाँ समता भाव में आते हैं वहाँ मुक्त रहते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में काम अर्थ धर्म और मोक्ष की बात कही है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, परमानेंट मुक्ति। अभी हमने सारी बात की है कि बंधन क्या है और बंधन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। इसके अंदर कर्म भी आते हैं, कर्म रज होती है, माया कहलाती है, अज्ञान कहलाता है। इसको हमें दूर करना होता है। इसको दूर करने के लिए दो तरह की पद्धतियां होती है। एक होती है क्रमिक, हम क्रमिक उसकी सफाई करते रहे अनुष्ठान के माध्यम से, कुछ रिचुअल्स के माध्यम से, क्रियाकांड के माध्यम से उनकी हम धुलाई करते रहें, उन कर्मों को दूर करते रहें, उस अज्ञान को दूर करते हैं। एक अक्रम विज्ञान होता है। वो अक्रम विज्ञान क्या है कि अपनी समझ को सही करो, समझ और अनुभव पर आधारित होता है कि आप अपनी समझ को ये करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप रियल हो और ये जो देहधारी नामधारी सोहन राज है, ये हाड़ मांस का पुतला, ये जो पैकिंग है, ये रिलेटिव है। अपने भीतर इस भावना कहने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव करो। भीतर में ये समझो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इस चराचर जगत में 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितनी भी आत्माएं, उन सब शुद्ध आत्माओं के दर्शन कर उनको नमन करता हूं। यानी हम जो है विश्वास करें कि जिस तरीके से मेरी ये शुद्ध आत्मा है वो रियल है, और दूसरा मेरे भीतर विराजमान ये शुद्ध आत्मा भगवान, आप परमानेंट हो और ये देहधारी नामधारी सोहन राज टेम्परेरी है, और हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अलग हो, सोहन राज अलग है। ये वीतराग विज्ञान है, ये बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाला विज्ञान है, ये भेद विज्ञान है, ये मुक्ति का विज्ञान है। यानी हम दोनों को अलग अलग समझें, और मात्र समझना शब्दों से बोलना नहीं है। भीतर हमारी प्रतीति और अनुभव दो होती है। प्रतीति का मतलब हमारी समझ, कि हम अपनी समझ को 24 आवर्स अलग रखें, मैं अलग और शरीर अलग। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और वह मुक्त है। और ये शरीर मेरा बंधन में है, इसको बंधन में डालने वाला शरीर है। तो इस भेद रेखा को हम जितना जितना समझेंगे और अनुभव गम्य करेंगे, सारी बातें भाव पक्ष की है। हम बंधन और मुक्ति, बंधन में हैं और बंधन से मुक्ति की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बीच के अंदर हमारे भाव आते हैं। ये भाव एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ बहुत बड़ा रूपांतरण होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, भाव के जगत के अंदर जो हमारा अवचेतन मन का जगत है, तीन तरह के मन जो फ्राइड ने माने हैं या हमारे धर्म ग्रंथों में माने गए हैं, चेतन मन जो इस शरीर, इस स्थूल शरीर के ऊपर बुद्धि के लेवल तक जो कार्य करता है वो हमारा चेतन मन है। खाना पीना सोना बैठना उठना चिंतन करना, ये सारा कार्यकलाप जो हम मन वचन काया से करते हैं वह चेतन मन है। इसके आगे अवचेतन मन है, वो प्रज्ञा का जगत है, वो रूपांतरण का जगत है। जितने भी जादूगर है, जितने भी मैसमेरिज्म करने वाले हैं, अपने शरीर के ऊपर 30-30 टन के भरे हुए ट्रक को चला देते हैं, वो लोग भीतर प्रज्ञा के जगत में जाकर सांस को रोक करके और उस अवचेतन मन के अंदर रूपांतरण कर लेती, यानी अपने इस आत्मा को जो सुख का दुख का संवेदन करता है उस आत्म प्रकोष्ठों के अंदर ले जाते हैं। ये एक विधि है, ये प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त की। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पड़त निशान।
हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और हमारे त्रिपिटकों के अंदर, हमारे आगमों के अंदर ऐसी ऐसी विधियाँ बहुत प्राचीन तारीख समय से भरी पड़ी है। विधियाँ ही नहीं हैं, उन विधियों से उन विधियों को प्राप्त करके, उनका प्रयोग करके, उनकी अभ्यास करके हमारे ऋषियों मुनियों ने बंधन से मुक्ति को प्राप्त किया है। और दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता। आप प्रतिदिन संख्या के अंदर जो है संख्या बढ़ा बढ़ा करके उपस्थित होकर के आप इस सत्संग को, पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हैं। चैनल 24 प्लस न्यूज़ का भी बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिकता, धन्यवाद कि ऐसे ऐसे एपिसोड्स, ऐसे ऐसे विषयों को देकर के इस हमारी सत्संग और हमारे इस जो चिंतन मनन निध्यासन को बहुत सुंदर बना दिया। जगत का कल्याण हो, जगत के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी आनंदमय हो, शांतिमय हो, जीवों का कल्याण हो, सबको मोक्ष मिले, आप सुखी रहें, आप आनंदमय रहें, आप धर्ममय में रहें, आप करती प्रति मंगल भावना, शुभकामना। प्रायोजक हैं